प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली की। लाखों की तादाद में समर्थक पहुंचे और मोदी ने भी इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया। बोले, ऐसा लग रहा है कि ये हुंकार सुनने के बाद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आज 2 मई यानी विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। खचाखच भरे परेड ग्राउंड में मोदी करीब 68 मिनट तक बोले, ममता पर तंज कसा, वाम सरकारों को इतिहास याद करवाया, जनता से वादे लिए और खुद भी संकल्प धारण किया, भीड़ से जोश में नारा लगवाया, जोर से छाप टीएमसी साफ। मोदी ने कहा, ममता दीदी जब स्कूटी पर चली तो सभी ने प्रार्थना की कि कहीं चोट ना लगे, पर दीदी की स्कूटी नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब स्कूटी ने नंदीग्राम में ही गिरना तय कर लिया है तो हम क्या करें। दरअसल ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यहाँ टीएमसी से भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी से उनका मुकाबला होगा। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता नंदीग्राम में 50,000 वोटों से हारेंगी। मोदी की 68 मिनट की मेगा स्पीच की 25 अहम बातें आइए सुनते हैं। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है, तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होगे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है, आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं। इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। आपने लोगों की मेहनत की कमाई से, लोगों की जिंदगियों से खेला। आपने चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य को कर्ज में डुबो दिया। आपने युवाओं से उनके हक की नौकरी, उनका वेतन तक छीन लिया। यहां भर्ती परीक्षाओं में किस तरह का खेल होता है? छोटी छोटी लिस्ट रिलीज होती है, लिस्ट रिलीज हो करने से पहले किसी के घर में फाइल जाती है, किसी के घर में मंजूरी ली जाती है। कौन से खास लोगों का चयन होता है ये क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? सारा बंगाल जानता है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा बंगाल के हर मतदाता से आग्रह है, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है, बॉय पोबेन्ना,
ভয় পাবেন না নির্ভয় বিজেপি কে ভোট করুন কুশাসনের বিরুদ্ধে ভোট করুন বাংলা কে ভয় মুক্ত করুন বাংলা উন্নতি চায় উন্নতি জানো ভোট করুন বাংলার জয় ভারতের জয় সাথিও ये संयोगी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया हूं। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी राजमोनी, प्रीति लता बादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। ये मेरा सौभाग्य है कि बीते 6 साल में केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, हमारी माताएं रही हैं। आज गरीब को अपना पक्का घर भी मालकिन के नाम से ही मिल रहा है। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने तो बहन बेटियों को ही सम्मान मिला, उनको तकलीफ से मुक्ति मिली। बंगाल में 4 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, इसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के ही हैं। हमने जब मुद्रा लोन देकर नए अवसर दिए तो इसका भी लाभ लेने वाली 75% महिलाएं ही हैं। हमने देश की गरीब बहनों को गैस कनेक्शन दिया तो कोरोना महामारी के दौरान उनके वो बहुत काम आया। पश्चिम बंगाल की लाखों बहनों को कोरोना काल में मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। साथियों, बहनों को सबसे बड़ी दिक्कत अगर आती है तो वो पानी की है, जल की है। इसलिए 1.5 साल पहले केंद्र सरकार ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया। मैंने कुछ दिन पहले हुगली में इसका जिक्र किया तो टीएमसी के नेताओं ने कहा कि बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं गलत विषय उठा रहा हूं? टीएमसी की यही भावना दिखाती है कि उसे बंगाल के गरीबों, बंगाल की महिलाओं, बंगाल के बच्चों की कोई परवाह नहीं है, नहीं उनका कोई लेना देना है। बंगाल में जल जीवन मिशन इसलिए जरूरी है कि यहां आज भी आजादी के 75 साल के बाद एक महिला यहां राज कर रही है। तब आज भी 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी नहीं आता। बंगाल में जल जीवन मिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अनेकों जिलों में आर्सेनिक युक्त पानी बच्चों का जीवन तबाह कर रहा है, सभी को बीमार कर रहा है। क्या गरीब की चिंता करना, गरीब की सेवा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या गरीब के रहे भी राजनीति करेंगे? लेकिन अफसोस है साथियों कि देश में टीएमसी सरकार गरीबों पर झूठ बोल के राजनीति करने पर तुली हुई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो पैसे भेज रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज तक यहां की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। और आज इस ब्रिगेड ग्राउंड से
पूरे बंगाल के लोगों से पूछता हूं, क्या टीएमसी सरकार बंगाल के गरीबों, यहां की महिलाओं, यहां के बच्चों की गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? इस चुनाव में उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चोरों से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, एक और योजना है, ऐसी कितनी ही योजनाओं का पैसा यहां की राज्य सरकार तिजोरी में रख करके बैठ गई है। दीदी जैसे ठान कर चल रही है कि न काम करेंगे न करने देंगे। आप मुझे बताइए, ऐसी सरकार को हटाएंगे? ऐसी सरकार को हटाएंगे? ऐसी सरकार को हटाएंगे? साथियों, देश के सबसे बड़े राज्य से लेकर देश के सबसे छोटे राज्य तक मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज जनता की हम लोग सेवा कर रहे हैं। कमल के फूल में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है, इसलिए ही कहा जा रहा है, लोकसभा में टीएमसी हाफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ, और इस बार पूरी साथ, इस बार पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, और मैं आदरपूर्वक स्मरण करते हुए कहना चाहता हूं, आपके तप, आपके त्याग और आपका बलिदान हिंदुस्तान के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारजन उनको प्रेरणा देता है। आपने बंगाल की जो लड़ाई लड़ी है, जो त्याग किया है, जो पुरुषार्थ किया है, मैं आज आपके उस तप को, आपके उस त्याग को, उसके तपस्या को आज मैं फिर बार आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ जो हुआ वो कोई भूल नहीं सकता। भाजपा के हर कार्यकर्ता के परिवार को, पश्चिम बंगाल में अन्याय का शिकार हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके हर प्रयास में मैं आपके साथ हूं। आप पूरे जोश और जुनून के साथ एक एक मतदाता तक पहुंचिए। बंगाल में डर और भय के पुराने दिन अब 2 मई से आगे नहीं चलने वाले हैं। मैं बंगाल के सरकारी कर्मचारियों से भी आग्रह करूंगा, बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव में आए काम करिए। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कोमल छाप, ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। ये ब्रिगेड मैदान आज फिर से बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने जा रहा है, और आप सभी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। अब मैं आपसे फिर से एक बार कुछ बातें बुलवाना चाहता हूं। बोलेंगे ये सारे शब्द बंगाल की इच्छा है, एक एक शब्द बंगाल का संकल्प है, ये आपका भी संकल्प है, मेरा भी संकल्प है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको एक सुर में बोलना है, एबार। क्या बोलना है? एबार बोलेंगे, एबार बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, असल परिवर्तन, असल परिवर्तन, असल परिवर्तन, चाकरी, चाकरी,
महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, 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 हम सभी का संकल्प जरूर पूरा होगा।